Bring, bring. And as they tell all of us, ये मैंने एक उनसे लिया था बीफ मीट कबाब का, पैसे दबाव ही लग गए ने, लेकिन खाना देख के लग रहा है कि मजेदार होगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप एंड ट्रिप का नया एपिसोड और आपका भाई उमर भट्ट इस वक्त मौजूद है मदीनातुल मुनव्वरा में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान में हमें 5 जुमातुल मुबारक मिले हैं और मुझे ये मौका मिला है कि मैं मस्जिद नबवी में जुमा अदा कर सकूं। अगर आपको अंदर जगह चाहिए तो इसके लिए आपको जाना चाहिए कम से कम 10:30 बजे, उससे लेट होंगे तो आपको सही में जगह मिलेगी। अभी दुनिया बिल्कुल हर तरफ से सैलाब की तरह आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज का इंशाल्लाह हम जुमा अदा करते हैं मस्जिद नबवी में और उसके बाद अफ्तारी करेंगे हम आज मस्जिद कुबा में। तो ट्रैक करते हुए जाएंगे और जो ये मुबारक घड़ियाँ होती हैं अफ्तारी की, ये देखेंगे कि मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अलावा कैसी होती हैं। बस ये मैं गेट तक पहुंच गया हूँ तो इंशाल्लाह चलते हैं, चल के सहन देखते हैं और उम्र और जुमे का रश देखते हैं कि जुमे का रश मस्जिद नबवी में कैसा होता है। और एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मस्जिद नबवी में मैं जुमा अदा कर सकूँ। अभी कबूतरों को दाना नहीं डाला जा रहा क्योंकि सब लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर तक इनकी भी पार्टी शुरू हो जाएगी। जन्नतुल बकी को हर नमाज के बाद खोला जाता है और अभी हम लोग जन्नतुल बकी चलते हैं वहाँ पे। आज तो वैसे ही जुमा तो बड़ा रश होगा, जन्नतुल बकी से होके आते हैं और फिर आज की इफ्तारी चलते हैं मस्जिद कुबा में करने। मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्तारियाँ कर ली हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और एक इफ्तारी में मस्जिद कुबा में करना चाह रहा हूँ, यहीं से निकलूंगा, पैदल चलेंगे और इफ्तारी का वक्त होगा इंशाल्लाह। मदीने की शान और गलियां देखते हुए हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे मस्जिद कुबा, लेकिन अभी हम पहले चलते हैं जन्नतुल बकी में और वहां से हम फातिहा करके और फिर आएंगे होटल वापस और फिर असर से पहले निकलेंगे। जुमे का दिन तो वैसे बड़ा बाबरकत दिन है, सैयदुल अय्याम कहा गया इसे, हदीस भी है कि
इसमें एक घड़ी जुमे वाले दिन एक घड़ी कबूलियत की होती है और उस घड़ी को आप असर से मगरिब तक तलाश करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा शहर है और मैं जा भी मस्जिद कुबा की तरफ रहा हूँ, तो ये बड़ी ही मुबारक घड़ी है और वैसे भी इफ्तार का वक्त है। आपका नाम? हाँ, मसरी। मसरी, नाम क्या? अजीब अजीब नाम। माय नेम उमर। उमर, अना सईद। सईद, सईद मोहम्मद अल शरीफ। सईद मोहम्मद अल शरीफ भाई हैं, मिस्र से हैं, इजिप्ट। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मदीना में टैक्सीज बहुत कम चलती हैं, तो आप किसी भी गाड़ी को लिफ्ट देके उनके अपना रेट तय करके जा सकते हैं और ये यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है। तो मैं ये मस्जिद बिलाल के पास था और मैं मस्जिद कुबा जा रहा हूँ। अशरा इन्होंने मुझे कहा है 10, 5 और 5 10 अशरा रियाल मैं दूंगा और ये मुझे ड्रॉप करेंगे मस्जिद कुबा के करीब और फिर मैं मस्जिद कुबा के जो सराउंडिंग एरिया है उनको एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट रहते हैं तो मैं 5 मिनट में पहुंच जाता हूं और फिर बाकी फिर आधा घंटा उसके राइट लेफ्ट फिर लेंगे और आधा घंटा फिर मस्जिद के अंदर रह लेंगे। अच्छा, रमज़ान में भी इसकी पार्किंग फुल हुई हुई है। मेरा ख्याल था रोज़े के वक्त तो यहाँ पे कोई नहीं आता होगा, ख़ास तौर पे जो ज़ायरीन हैं, जो उमरा करने आए हुए हैं या जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं। बसें तो अभी भी लाइनों में लगी हुई हैं दूसरी साइड पे, मैं देख रहा हूँ। अभी चलते हैं, ये सामने बहुत बड़ा खजूरों का बाग है। खजूरों का बाग देख के मेरे मुझे पता नहीं क्या होता है कि बस इसको रिकॉर्ड करूँ थोड़ा सा। एंट्री गेट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चलें जितना हो सका हम करते हैं। मदीने का जब जिक्र होता है तो खजूरों का जिक्र साथ लाजमो मलजूम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको देखा ही पड़ा ही खजूरों की सरजमीन के तौर पे है। और अभी ये खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग है जो गाड़ी के साथ साथ चल रहा था मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने, तो मैं इसके साथ साथ घूम रहा हूँ, शायद कोई एंट्री गेट मिल जाए मुझे और मैं इसके अंदर चला जाऊँ। आगे गली नजर तो आ रही है, इस गली के साथ मुड़ के अंदर चलते हैं। आगे गेट लगा हुआ है, शायद कोई गार्ड वगैरह बैठा हो तो उनसे चल के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक चक्कर लगाने दो अंदर का। मैं कभी उस तरह से खजूरों के बाग के अंदर नहीं गया, मतलब इतने बड़े। अभी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का बाग तो देखा था, लेकिन वो भी छोटा था और वो काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ था। ये मुझे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। और अब जैसे ये देखें, ये मिट्टी की दीवार के साथ खजूर आपको बिल्कुल ही पुराने ज़माने में ले जाती है। इस मिट्टी की दीवार के साथ अगर मुझे मिल जाए ना जगह तो बड़ा ज़बरदस्त है, गेट को मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो था ना बाग का वो यही वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आप हफ्ते में एक दफ़ा मस्जिद कुबा आया करते थे पैदल या सवारी पर और आकर यहाँ पर नफल अदा किया करते थे। तो रमज़ान के महीने में अल्लाह ने मौका दिया कि हम भी मस्जिद कुबा आएँ और बल्कि यहाँ पे इफ्तारी करें। अच्छा, मस्जिद नबवी की तरह यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी एक इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। बहुत बड़ी एक कैनोपी लगी हुई है और अभी तो वैसे 1 घंटा पड़ा है इफ्तारी में। सेम यही कंपनी है खैरुल मदीना, इनकी कैनोपी गेट नंबर 308 के पास ही लगी हुई है और यहाँ पर मस्जिद कुबा के पास ही लगी हुई है। वक्त मैं देख रहा हूँ मगरिब में तकरीबन 40 मिनट पड़े हुए हैं और जो अरबी लोग हैं ना यहाँ पे लोकल या दूसरे मुल्कों के, ये सब लोग मुसवाक कर रहे हैं। ये तो सुन्नत है ही और हम लोग उस तरह से इसकी पाबंदी नहीं करते, लेकिन ये 80-90% मैंने लोगों को देखा है सबके सब मुसवाकें कर रहे हैं। गाड़ी में बैठे भी मुसवाक कर रहे हैं, जो गार्ड है वो भी खड़ा मुसवाक कर रहा है। अभी मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, ऑफेंड हो जाएंगे,
मुनासिब नहीं लगता। माशाल्लाह हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है पिक करनी चाहिए, और ये तो वैसी बड़ी अजीम सुन्नत है उस वक्त वाली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुसूसी तौर पर इस्तेमाल फरमाया करते थे। अगर बाहर तक कितने लोग बैठे हैं तो इट मीन्स ये अंदर से फुल हो चुका हुआ है। बल्कि पहले वुज़ू कर लेते हैं क्योंकि इफ्तारी के बाद नमाज हो जाएगी तो फिर वापस आना मसला होगा। अभी वुज़ू कर लेते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अभी बाहर सहन तक भर गया है इफ्तारी से, पहले हम मस्जिद का सहन करके आते हैं फिर बाहर वाले सहन पे हम बाद में आएंगे। ये मस्जिद का बैक गेट है और यहाँ पे भी इफ्तारी का इंतजाम किया गया है। मस्जिद कुबा में भी आपको आबे जमजम मिल जाता है ये ड्रम पड़े में, और इफ्तारी में क्योंकि 20 मिनट रह गए हैं तो इसकी तैयारी की जा रही है। अभी इनके मुंह सरफ हैं, इफ्तारी होगी तो कूलरों के मुंह घुमा दिए जाएंगे। मस्जिद कुबा में मैंने इफ्तारी कर ली है और बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि ये उस बहुत छोटी है मस्जिद नबवी के मुकाबले में, तो ये बहुत छोटी मस्जिद है लेकिन यहाँ पे लोग जो लोकल आए हुए थे ज़्यादातर वो बहुत अच्छे थे, उनके अखलाक बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात जो मैंने आपको नोट की है कल मस्जिद नबवी में भी, आज क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोकल थे तो मैंने सबको मस्वाक करते हुए देखा है, तो ये दो चीज़ें बड़ी ही इम्प्रेसिव थी। अभी हम चलते हैं आगे और जादत कुबा है वो जो स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बनी हुई है मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी तक, उसके पैरेलल सड़क में मैं जाऊंगा पैदल, ठीक है, क्योंकि आज मैंने अथेंटिक खाना खाना है। मुझे मेरे टूर को 8-9 दिन हो गए हैं और मैं अरबी खाना खाने के लिए तरस के आऊँ। मस्जिद नबवी के राइट लेफ्ट जितने भी होटल जितने भी अरबी शवार में बिक रहे हैं वो कोई अरबी शवार में नहीं है, ठीक है जी। 70% में चिप्स भर देते हैं और बाकी 10-20% बंद गोभी और चिकन भर के तो खुश्क तरीन आपको गैर सॉस के एक सैंडविच दे दिया जाता है कि जी अरबिक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं कोशिश करके अरबी खाना खाऊंगा। और रास्ते में जब मैं आया था तो मैंने एक दो होटल देख लिए थे, मैं कहा मैंने पैदल ही जाना पड़ा, कोई गल नहीं लेकिन मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। एक मुझे अजीब सा रेस्टोरेंट नज़र आया है मोतम वाहिद किताब, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ मुझे लग रहा है जैसे टर्किश है, अंदर चल के इसकी वाइफ देखते हैं
और रश भी तो बहुत लगा हुआ है। You are from Egypt? Egypt, it was Masr. Bring. Yes. Spicy? Yes, spicy. Take away. Okay. Where are you from? Pakistan. It's a Turkish restaurant. Egypt. Egypt. حبيبنا يعني مشويات يعني ابو واحد خطاب المدينه المنوره كنافه مصريه وده المكان عاوز يطلع ترنج الراجل ده ها عاوز ايه عاوز बाकी माजी से रब्ता हुआ था उनको लेना है तरावियों के बाद और फिर अब टाइम हो गया खाना भी मेरा पैक होने वाला है लेके चलते हैं होटल में। ये मैंने एक उनसे लिया था बीफ मीट कबाब का प्लेटर पहले दबाव ही लग गए ना लेकिन खाना देख के लग रहा है कि मज़ेदार होगा। इनका सूप है पता नहीं गलती ना देते हैं लेंटल सूप था क्या तो ये रहा था कि ये सूप है पी के देख लेते हैं। ये नान है नान के अंदर इन्होंने ये बेसिकली ना इनका मुजरेला सैंडविच है नान के अंदर इन्होंने कुछ फिलिंग की हुई है चीज़ के साथ गोश्त की साथ में जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है जी ये टमाटर और हरी मिर्चें के पाकिस्तानी मैं कहा हाँ जी तो उसने ना इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं हालांकि इतनी कड़वी नहीं होती साथ सिरके वाला अचार है सुबहान अल्लाह। अच्छा इन्होंने जो नान दिया ना नान इनका है ये रोटी ये महीना भी पड़ी रहे तो ख़राब ही होगी ठंडी नहीं हो सकती ये दो घंटे से मैंने ला के रखा हुआ था। बाइट बनाते हैं जबरदस्त किस्म की ये इनका नान है जिसके अंदर इन्होंने फिलिंग की हुई है कि चीज के साथ कीमे की मैं समझ था इसका नाम मुजरेला सैंडविच है लेकिन है ये नान जबरदस्त यार ये देखें चीज की लेडिंग के साथ कीमा है ओहो एक चीज में भूल गया था ये इनकी सॉस बड़ी डिफरेंट है बिल्कुल भी वो मायो सॉस नहीं है ना ही कोई और फिश सॉस जो होती है बड़ी मजे की है। ये देखें ये कबाब और ये साथ टमाटर ये इसके साथ नहीं लगेगा इसको मैं वैसे ही खा लूंगा मैं यही सोच रहा था कि कड़वी में तो फायदा क्या लेकिन बहुत अलग ये देखें शिमला मिर्च भी उन्होंने मैश कर दिया जला के बिल्कुल नरम सी और ये टमाटर मैंने आपको बताया था कि हल्की हल्की मीठी होती हैं इनको खाने का भी अपना ही मजा है और कबाब में प्याज की उसको नहीं डाला हुआ निरा मीट है भाई वाह सुभान अल्लाह। और माँ जी अभी आई हैं और सुबह 11 बजे की गई हुई थी इन्होंने तो अभी हालात भी बड़े इनके हुए हैं डाउन हुई हुई हैं बड़ी और कल हमारा है मक्का की तरफ रवानगी ये एपिसोड तो पता नहीं कब अपलोड होगा लेकिन जो प्रोग्राम हमारा ट्रैवलिंग का है उसमें हमारी होगी कल वापसी कल हम मक्का जा रहे हैं वहाँ पर अलविदा उमरा है और तवाफ़ अलविदा भी इंशाल्लाह करेंगे और माँ जी से आज बात करते हैं ये पिछले 8-9 दिन से मुझे मुंह नहीं लगा रही थी और बस कह रही थी मैं नहीं आना तेरी वीडियो मैं इबादत कर दे माँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा सब नु सलाम जो जो मेरे बच्चे दी वीडियो वेखदा है ते अल्लाह ताला दा कार भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आखिरी साडा दारी होए
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਰਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਏਡਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਨਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ।